हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैन के विंटर्स अपडेट के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं आज 30 तारीख को शूट कर रहा हूँ, मतलब अगले दिन नेक्स्ट मंथ आ जाएगा मे बी। एंड तो अगले मंथ में जो अपडेट आने वाला है वो कब आएगा, कैसे आएगा, उनमें क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो आज चलिए इसी टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता पड़ ही चुका होगा, रेडिट पर सुपर सेल के कम्युनिटी मैनेजर डेरियन का एएमए का एक एपिसोड वापस से हुआ था, ऑलमोस्ट 5-6 डेज अगो हुआ था मे बी। एंड वहां पर डेरियन चाचा से काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, उनका उन्होंने रिप्लाई किया, एंड उन रिप्लाई में से कुछ इंटरेस्टिंग रिप्लाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो चलिए अभी देखते हैं। फर्स्ट गाइस, यार आप यहाँ पर ये वाला देख सकते हो, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, विल यू बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रूप एंड इफ सो व्हेन, मतलब अगर न्यू ट्रूप आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो कब तक आएगा, इनका एक क्वेश्चन था। तो डेरियन चाचा जो कि मैनेजर है, उन्होंने जो रिप्लाई करा, वी डू हैव वन मोर अपडेट प्लान फॉर दिस ईयर, मतलब इन्होंने दो अपडेट प्लान करके रखी है दिसंबर के लिए, मतलब एक और अपडेट इन्होंने प्लान करी है इनका, जो फर्स्ट लाइन का कहने का मतलब है, मतलब दिस ईयर, मतलब 2018। तो बस अब मंथ कितना बचा है, केवल एक ही बचा है, 2 दिसंबर है, उसमें यहाँ पर अपडेट आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने आगे बोला है कि संता बिल्डर, मतलब जो सेंटा क्लॉज क्रिसमस का कुल मिला के थीम क्रिएट कर रहे हैं, कि कोई नहीं जानता क्रिसमस पर सेंटा जी क्या लेकर आ जाए गेम में। तो जब इन्होंने यही लिखकर इसको छोड़ दिया, मतलब अपन को थोड़ा एक्साइटेड कर दिया कि कुछ आ सकता है, अभी कुछ उन्होंने पक्का नहीं करा, बट कुछ तो आ ही सकता है। एंड जो इनका सेकेंड क्वेश्चन था, आर देयर एनी प्लान ऑन रेजिंग द अमाउंट ऑफ क्लैन कासल ट्रूप अवेलेबल पर लेवल, तो यहाँ पर ये क्लैन कार्सल के जो कुछ ट्रूप के बारे में पूछ रहे थे कि कैपेसिटी को बढ़ाना वगैरह, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया अभी इस अपडेट में तो नहीं, वो होप सो 2019 वाला जो अपडेट होगा उसमें ये कुछ लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट तरफ बढ़ते, जो एक क्वेश्चन गाइस आप ये वाली इमेज देख लो, एंड इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तो ज्यादा कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वो पूछ रहे थे केवल डार्क लिक्सर से अपडेट वॉल कर सकते हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आप वो यहाँ पर जरा गौर से पढ़िएगा, एनी न्यू हीरो कमिंग अप सून, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या कोई न्यू हीरो आने वाला है गेम में। बट गाइज यहाँ पर जो डेरियन का रिप्लाई है था गाइज वो पढ़िए, नीचे लास्ट सेकंड लाइन पढ़िए, वी आर लुकिंग एट न्यू हीरो, मतलब हम देख रहे हैं न्यू हीरो की तरफ, दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस टाइम, मतलब अभी वो कुछ कहना नहीं चाहते, बट गाइस न्यू हीरो के बारे में वो सोच रहे हैं, मे बी आपको 2019 में एक मे बी न्यू हीरो मिल जाएगा, पक्का डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड आपको पता ही है उन्होंने अभी एक और अपना पोस्ट करके बताया था कि 2019 के मिड में टाउन हॉल 13 आने वाला है गाइस, टाउन हॉल 13 रियली मिड में आ जाएगा, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, क्लैश और ऊपर ले जाएगी। एंड गाइस ये तो था जो लास्ट इमेज है, यहाँ पर ये वाली इमेज देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूँ, यहाँ पर जो न्यू सेज मशीन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो इन्होंने कंफर्म कर दिया है, देयर विल बी अ न्यू सेज मशीन, मतलब न्यू सेज मशीन आने वाली है, ऑल्सो चांस इन द करंट वंस कॉस्ट एंड कुक टाइम, मतलब ये जो करंट कोस्ट है उनको ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मे भी मेरे हिसाब से तो टाइम एंड कुक टाइम एंड जो कोस्ट है उनको ये कम ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फीड मशीन बनने में 20-20 मिनट्स लग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा है, तो होप तो ये कम ही करें। जो सेकंड पॉइंट है, एंड देयर विल बी अ न्यू स्पेल, मतलब न्यू स्पेल आने वाली है, व्हाट एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट इट्स बीन अ विल सीन्स वी आर हैड अ न्यू वन इंट्रोड्यूस इन टू द गेम, मतलब एक स्पेल इंट्रोड्यूस करने वाले न्यू इन द गेम, तो काफी एक्साइटिंग रहने वाला है जो इन दिसंबर अपडेट जो नेक्स्ट मंथ में आने वाली है उसके अंदर यहाँ पर आपको एक न्यू स्पेल देखने को मिलने वाली है। एंड उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो तो और भी ज्यादा आपको एक्साइटेड कर देगा, न्यू मैजिकल आइटम, मतलब न्यू मैजिक आइटम आने वाला है, इन्होंने उसके बारे में कंफर्म भी कर दिया कि कौन सा पर्टिकुलर मैजिक आइटम आने वाला है। हीरो पोशन अलाउ यू टू टेम्परेरी यूज योर हीरो विल अपग्रेडिंग Instead of one hour, like other potions, it will be limited to 2 attacks. So ideally, for war scenes, you get 2 attacks in war. मतलब इन्होंने बोला है कि अदर जो potions है वो 1-1 hour के लिए काम करती है, जो आपको पता ही होगा power potion वगैरह वो 1 hour तक activate रहती है, but यहाँ पर जो ये वाला magic item होगा ये केवल आपको 2 attacks allow करेगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर तीनों हीरो अपडेट पर है, अगर आप ये पोशन यूज करते हो तो आपको पर्टिकुलर 2 अटैक देगा जिसमें आप हीरोज को यूज कर सकते हो,
बट वो अपडेटिंग पे है, वो एक इशू अलग है, बट उसके बाद भी आप यहाँ पर टू हीरोज यूज कर पाओगे तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। नेक्स्ट चलिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, द एबिलिटी टू सेलेक्ट विच रिसोर्सेज यू वॉन्ट टू कलेक्ट फ्रॉम ट्रेजर। जो ट्रेजर होता है इसमें से अभी आप एक साथ अगर कलेक्ट करते हो तो सारी चीजें आपको एक साथ कलेक्ट हो जाती है, बट यहाँ पर पर्टिकुलरली अब बटन आने वाला है। अगर आप इलिक्सर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो केवल इलिक्सर कलेक्ट हो गए। ऐसे तीन ऑप्शन आने वाले हैं, इलिक्सर का अलग है, गोल्ड का अलग है, डार्क इलिक्सर का अलग है, तो ये तीन ऑप्शन अलग अलग आपको देखने को मिलने वाली है। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, ये काफी दिनों से क्लैशर्स डिमांड कर रहे थे इस चीज की, तो अब ये होने वाला है। जो फिफ्थ ऑप्शन है वो आप यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का पढ़ लीजिए, द टिपिकल स्टफ वी सी न्यू ऑब्स्टिकल सीजनल ट्रूप स्पेल मे बी अ ट्रैप एंड स्नो। तो गाइस ये सब कुछ आपको देखने को मिलना है, ये विंटर अपडेट है तो स्नोफॉल होने वाला है, सीजनल ट्रूप मे बी आइस गोलम आ जाए, स्पेल आने वाली है, स्पेल अगर कुछ नहीं लाए सेंटर स्पेल को छोड़ करके तो वो देखने वाली बात होगी, देखते क्या कुछ होता है। ट्रैप एंड स्नो तो होने वाली है, ट्रैप देखते फ्री ट्रैप होगा या कौन सा नया कुछ ट्रैप लाए तो ज्यादा अच्छी चीज है सीजनल ट्रैप। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप सभी को क्या लगता है क्या कुछ आप एक्साइटेड हो जो दिसंबर अपडेट है 2018 की विंटर्स अपडेट उसके लिए, कमेंट करके बताना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड मिल गई, इसी तरह की हम वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।